दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि इंजन का जो रेडिएटर होता है वो काम कैसे करता है। हमारे इंजन्स के अंदर कई मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं जो जब मूवमेंट करते हैं तो हीट जनरेट करते हैं, और जब पिस्टन्स और जो हमारे इंजन के अंदर जो कंबशन चैम्बर होता है जब उसके अंदर फ्यूल बर्न करता है तो इसमें हीट जनरेट होती है। तो इस हीट की वजह से इंजन के पार्ट्स जो है इंजन जो है गर्म हो जाता है। तो हमारा जो रेडिएटर है ये सारी जो हीट है इसको ट्रांसफ़र कर देता है और हमारे इंजन को जो है ठंडा रखता है। तो इसके लिए जो रेडिएटर होता है असेंबली उसके अंदर कई पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर जो है हमारा जो है एक तो पाइपिंग सिस्टम होता है, फ़ैन लगा होता है, और इसके अंदर कुछ हीट सेंसर्स होते हैं जो काम करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने स्क्रीन पर बने बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे जब भी कोई हम अपना नया वीडियो बनाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। रेडिएटर आखिर काम कैसे करता है? एक्चुअली जो रेडिएटर होता है वो हीट एक्सचेंजर की तरह काम करता है और इंजन की जो थर्मल एनर्जी होती है इसको जो है कूल करके अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। रेडिएटर हमारे जो हैं ऑटोमोबाइल्स में भी यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में भी यूज होते हैं। तो अगर ये रेडिएटर प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं है, अगर ये चॉक है तो ये सही तरीके से काम नहीं करेगा और हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं ऑटोमोबाइल्स के जो इंजन हैं उनको प्रॉपर जो है कूलिंग नहीं करेगा और उसकी एफिशिएंसी प्रॉपर नहीं आएगी। तो इसलिए अगर उनको हमें प्रॉपर जो है वर्किंग करना है उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कराना है तो हमें अपने रेडिएटर को जो है क्लीन, और अगर वो चॉक है तो उसे क्लीन कर देना चाहिए। तो दोस्तों जो रेडिएटर है वो हीट ट्रांसफ़र जो कैसे करता है, एक्चुअली इसके अंदर फिन्स होती हैं। जब एक डायरेक्शन से जो हॉट वाटर या कूलेंट जब इसके अंदर एंटर करता है तो वो सरफेस एरिया जो होता है सरफेस एरिया पे दूसरे तरीके से एयर ब्लो करते हैं, तो उससे क्या होता है जो हीट वाटर कूलेंट है वो हीट को ट्रांसफ़र कर देता है वहाँ की तरफ, और हमारे जो कूलेंट है वो ठंडा हो जाता है और ठंडा कूलेंट जो है इंजन के अंदर जो है जाता है कूलिंग करने के लिए। और इसके अंदर जो है रेडिएटर में सेंसर भी लगा रहता है जो हमारे जो है टेम्परेचर को बताता है कि हमारे इंजन के अंदर कितना टेम्परेचर है अभी। अगर ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो वो कूलिंग रेट को उसी हिसाब से इनक्रीज़ करता है और फ़ैन की स्पीड को बढ़ा देता है। तो ये सारे कुछ कंट्रोल होता है रेडिएटर के द्वारा। तो अगर रेडिएटर हमारा चॉक हो जाए तो हम इसे क्लीन कैसे करेंगे जिससे हम अपने इंजन की एफिशिएंसी को और उसकी कूलिंग कैपेसिटी बढ़ा सकें? दोस्तों ये मेरे पास एक रेडिएटर है जो चॉक हो चुका है, कार का रेडिएटर है, और मैं आज इसको क्लीन कर रहा हूँ। तो मैंने इसके जो टॉप कवर होते हैं दोनों साइड में जो है इसके ऊपर प्लास्टिक्स के कैप लगी होती हैं जहाँ वाटर जो है रुकता है वो मैंने निकाल दिया है। और देखिए ये ट्यूब्स होती हैं इसके अंदर छोटी छोटी पतली डाया की, इनके थ्रू जो है कूलेंट जो है पास होता है, थ्रू होता है एक साइड से दूसरे साइड में। तो जनरली क्या होता है जो हम कूलेंट यूज़ करते हैं उसके अंदर वाटर मिक्स होता है, वाटर होता है, और अगर हम टैप वाटर का भी वाटर यूज़ कर लें तो उसमें क्या हार्डनेस होती है पानी के अंदर, वो गर्म होने के बाद में वो हार्डनेस जो है स्केल टाइप का बन जाता है, उसकी स्केल बन जाती है। वो स्केलिंग जो होती है ट्यूब्स के अंदर जो है जमा हो जाती है और धीरे धीरे वो एक जो है हार्डनेस एक सॉलिड फॉर्म ले लेती है जो चॉक कर देती है हमारे जो है ट्यूब्स को रेडिएटर को। तो उसको क्लीन करने के लिए सबसे पहले हम कुछ केमिकल्स आते हैं रेडिएटर क्लीन करने के लिए, उस केमिकल को हम इसके अंदर डाल देते हैं जिससे कि जो स्केलिंग है जो हार्डनेस है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद में कोई हम रॉड लेकर के एल्युमिनियम की जैसे ब्रेजिंग रॉड होती है मैंने लिया हुआ है और इसको मैं धीरे धीरे इसके अंदर इंसर्ट कराऊंगा और उसको जो है इंपैक्ट कराऊंगा अंदर बाहर करूंगा, तो जिससे जो इसके अंदर स्केल है जो हार्डनेस है जो जमा हुई है ट्यूब्स के अंदर वो क्लियर हो जाए। तो मैं सभी ट्यूब्स के अंदर इस टाइप से जो है करूँगा। और ये कई ट्यूब्स होती हैं इसके अंदर, अगर कोई चॉक हो रही हैं कई काफ़ी चॉक हो जाती हैं तो इसके चॉक करने के लिए हम इसको प्रॉपर क्लीन कर देंगे। देखिए अभी ये रॉड जो है बेंड हो गया, यानी कि काफ़ी हार्ड है अंदर जहाँ पे ये जा नहीं पा रही है। तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं, मैंने एक ओवन की जो रॉड आती है जो आगे की तरफ जो है सार पेज होती है जो ये हम तंदूर वगैरह में यूज़ करते हैं चिकन वगैरह को,
तो मैंने वो लिया, और उस तंदूर रोड की जो नोक आगे की तरफ जो टिप होती है काफ़ी शार्प होती है, तो उससे जो मैं अब जो इसको क्लीन कर रहा हूँ, जहाँ पे ज़्यादा हार्डनेस है, ज़्यादा हार्ड मतलब जो मटेरियल है। तो ये देखिए रॉड मेरा जो है पूरा इंसर्ट कर दिया है मैंने, यानी कि क्लीन कर दिया है। अब आफ्टर क्लीनिंग जो है इसको मैं दोबारा से जो है वाटर वॉश करके या वाटर जेट करके हम क्लीन कर लेते हैं कि जो इसके अंदर गंदगी है तरीके से निकल जाए। तो इस टाइप से हम जो क्लीनिंग करते हैं, इससे क्या होता है कि हमारा जो सरफेस एरिया है वो हम इंक्रीज़ कर रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र तभी अच्छा होता है जब हमारा सरफेस एरिया जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि हीट ट्रांसफ़र जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसलिए हमें जो है एरिया है इसका बढ़ाना है। दोस्तों मैंने अपना इंजन रेडिएटर क्लीन कर लिया है, और क्लीन करने के बाद इसकी आप पोजीशन देख सकते हैं कि बिफोर क्लीनिंग और आफ्टर क्लीनिंग जो है बिल्कुल ब्राइट हो गया है। इसके सरफेस पे जो गंदगी थी वो बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, और मेरी जो इंजन की एफिशिएंसी होगी नाउ इट विल इम्प्रूव। क्योंकि तो कोई भी रेडिएटर जब साफ़ होगा तो वो परफॉर्मेंस भी अच्छा देगा और कूलिंग भी अच्छी देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक एंड गिव योर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स यू।